हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1800 से भी ज़्यादा पदों पर जो सरकारी भर्तियां आई हुई हैं उनके बारे में। तो सारी ही सारी जो रेगुलर भर्ती हैं, ठीक है, जो 1800 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती हैं, पूरी रेगुलर भर्ती हैं, सरकारी भर्ती हैं, इसको क्लियर करने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। तो सारे के सारे जो वैकेंसीज हैं जिसके बारे में अभी आगे हम लोग देखेंगे, पूरे की जो लास्ट तिथि है वो अक्टूबर में है। तो आप लोग जो है फॉर्म भरने से बिल्कुल मत चूकिएगा, लास्ट डेट इसकी बहुत नज़दीक है। और आप लोगों को क्या करना है कि जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लेना है अगर आप इसके लिए योग्य हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर के चार ऐसे वैकेंसीज़ के बारे में देखने वाले हैं जिसकी लास्ट डेट अक्टूबर में ही है और सारी की सारी रेगुलर भर्तियाँ हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली वैकेंसी की बात करें तो ये है CHPSCL की जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि DEO की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसकी, ठीक है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि 400 पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर आप लोग इसके लिए पात्र हैं तो आप लोग इसके लिए फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत अच्छी आपको इसमें मिलने वाली है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो दोस्तों, जो इसकी ऑनलाइन भरने की फॉर्म फिलअप करने की डेट 29/9/2021 से स्टार्ट हो चुकी है और इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल पहले ही बना रखी है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से देख पाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट के बारे में एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 28/10/2021, ठीक है, यानी कि अक्टूबर में ही इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, आप लोग फॉर्म फिल करने के इच्छुक हैं तो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ठीक है। और इसकी जो योग्यता है वो है ग्रेजुएशन की योग्यता रखी गई है, प्लस आपकी कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा इसमें आपका मस्ट है, ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा आपका होना ज़रूरी है तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो वैकेंसी है वो है ACF की, जो कि PSC के द्वारा ली जा रही है, ठीक है। तो ये जो है रिवाइज्ड आप लोग का एडवर्टीजमेंट है, रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है, इससे पहले भी ये भर्ती निकली हुई थी, ठीक है, लेकिन बीच में गैप होने की वजह से, कोरोना की वजह से ये भर्तियाँ जो है स्थगित कर दी गई थी, जिसको फिर से निकाला गया है और इसमें नए कैंडिडेट भी एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो है, अंतिम तिथि की बात करें तो 30/10/2021 इसकी अंतिम तिथि है, यानी ठीक 30 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी फॉर्म अभी भी भरी जा रही है, तो आप लोग जरूर से फॉर्म भरिए, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर इसके लिए आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बना दिया है इसके लिए, अगर पूरा डिटेल वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ी सी इसकी अर्हता की बात करें तो उम्मीदवार के पास जो है 13 सब्जेक्ट की इसमें बात की गई है, ठीक है, 13 सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पशुपालन, पशु चिकित्सा है, इनमें से कोई एक विषय भी अगर आपके ग्रेजुएशन में होता है तो आप लोग इसको भर सकते हैं, जैसे कि वनस्पति विज्ञान है, कंप्यूटर अनुप्रयोग है, पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, बागवानी, गणित, भौतिक, सांख्यिकी, प्राणीशास्त्र, कृषि और वानिकी में से कम किसी भी एक विषय के साथ आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो अगर एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसके लिए फॉर्म भरिए, ये PSC के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगली वैकेंसी की। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है पुलिस विभाग से। तो आप लोग को पता होगा पुलिस विभाग से SI की भर्तियाँ आई हुई हैं, जिसमें से कई अलग अलग पोस्ट, जैसे कि यहाँ पर प्लाटून कमांडर, सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग आदि के जो हैं वैकेंसीज हैं, और इसकी भी फॉर्म अभी भरी जा रही है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 31/10 इसकी लास्ट डेट है, तो 31 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली है। इसके भी सारी अर्हता के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अगर पूरी डिटेल आपको चाहिए। तो जल्दी इसकी लास्ट डेट भी समाप्त हो जाएगी, पूरे अक्टूबर भर आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप लोग ज़रूर इसके लिए फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ये जो है बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, ये पुरानी वैकेंसी है जिसको रिवाइज्ड की गई है और नए कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर जो है 975 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं ज़रूर इसमें ट्राई कीजिए, ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की। चलिए आगे वैकेंसी की बात करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी बात करें तो ये जो है जूनियर इंजीनियर के लिए है, जो CHPSCL की जो वैकेंसीज आई हैं तो उससे रिलेटेड ये है, और जूनियर इंजीनियर के लिए है यहाँ पर।
काफ़ी सारे पोस्ट इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 300 के आसपास इसमें पोस्ट हैं और अलग अलग ब्रांचेस के, अलग अलग स्ट्रीम के यहाँ पर हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इतने सारे स्ट्रीम के लिए यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं, लगभग 300 से ज़्यादा पोस्ट के लिए है। लास्ट डेट की बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 28/10 है, ठीक है, 28 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इससे पहले आप लोग इसके लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप योग्यता रखते हैं बिल्कुल फॉर्म फिल कीजिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और लास्ट डेट मैंने बता दी, इसके बारे में डिटेल से हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, पूरी डिटेल उसमें दी गई है, अगर आप लोग उसको फिर से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर हम लोग ने 4 वैकेंसीज की बात की, जिसमें से अगर आप किसी भी वैकेंसी में योग्यता रखते हैं तो आप लोग फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब है वो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1800 पोस्ट के, लगभग 1800 से भी ज़्यादा पोस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की। अगर इन 4 वैकेंसीज में से आप जिसमें भी योग्यता रखते हैं उसमें फॉर्म जरूर फिल कीजिए, क्योंकि अभी वैकेंसीज आई हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं और भी वैकेंसीज अभी आने वाले हैं, तो आप लोग को एग्ज़ाम देना होगा तभी आप लोग की जॉब यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।